तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सिद्धार्थ आनंद की मूवी फाइटर 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म में हमें मिलेंगे ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अक्षय ओबेरॉय, करण सिंह ग्रोवर और सिद्धार्थ आनंद और डेविड रसल के डायरेक्शन में ये बनी है मूवी। 250 करोड़ के बजट में ये बनी है। एक मूवी में एक वॉर ड्रामा है। सिद्धार्थ आनंद की पहले भी हम वॉर और जवान एक मिलिट्री ड्रामा देख चुके हैं, तो ये भी एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन्स के साथ पूरा ड्रामा हमें दिखेगा। जो हमें रिपब्लिक डे में हम फाइटर प्लेन्स देखते हैं, हम उन्हें देखेंगे इस मूवी में। तो मूवी रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन उनको एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया गया है इंटरेस्टिंग वे में। जैसा कि बताया जा रहा है कि मूवी टॉप गन मूवी का रीमेक है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी प्रोड्यूसर्स ने ऐसा क्लेम नहीं किया है कि ये टॉप गन मूवी का रीमेक है। हाँ, इसका लुक और कुछ सीन्स उस तरह के हैं थोड़े बहुत। फिल्म में पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में रेफरेंसेस हैं और उनके लिए बदला लिए जाने की स्टोरी इसमें कुछ इस तरह से ट्रेलर से पता चल रही है। मूवी में 5 गाने हैं जो कि विशाल शेखर का म्यूजिक है। फिल्म में ऋतिक रोशन कह रहे हैं पाकिस्तानियों को कि तुम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे खड़े हो, यानी कि पार्ट तो इंडिया का ही है, ऑक्यूपाई तुमने कराया है, तो मतलब मालिक तो हम ही हैं, तो निकल लो यहाँ से। ट्रेलर में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं। तो फिल्म में दिखाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एक डायलॉग बोलते हैं कि हम पाकिस्तानियों को दिखा देंगे कि बाप कौन है। तो फिल्म एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा लग रही है। प्लेन में हवा में फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, कभी उल्टे हो रहे हैं, कभी सीधे हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर लग रहा है। तो 25 जनवरी को ये मूवी रिलीज़ होने जा रही है और एक जवान की तरह और वॉर की तरह एक वॉर मूवी होने वाली है। तो रिपब्लिक डे पे ये देखनी मूवी तो ज़रूर देखना बनता है। तो इस रिपब्लिक डे पे आपको इस मूवी को देख के बहुत बार अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील होगा। अपने एयरफोर्स ऑफिसर्स को इस तरह से लड़ते हुए देखकर आपको बहुत बार ही अपने ऊपर प्राउड होगा, अपनी कंट्री के ऊपर प्राउड होगा। और ऋतिक रोशन जो झंडा फहराते हैं वो सीन तो एपिक लग रहा है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।